पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह अब मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आज कोर्ट ने उनको एक अपहरण मामले में दोषी करार दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह का वो हाल हो चुका है जो पहले कभी न किसी ने देखा था न किसी ने सोचा था। जी हाँ, आप इन तस्वीरों को देखिए। आज जैसे ही उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया, उसके बाद जब कोर्ट से बाहर धनंजय सिंह निकले, तब उनकी हालत ऐसी थी ना कोई जोश, चेहरे पर कोई भी शिकन या कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल शांत और निढाल तरीके से धनंजय सिंह चलते हुए आए और बस एक बात बोले कि अभी कल फैसला आएगा, और गाड़ी में बैठकर जेल की तरफ बढ़ गए। लेकिन गाड़ी जैसे ही जौनपुर के जिला कारागार के सामने रुकी, तो धनंजय सिंह ने वहां उतरते हुए कहा कि अभी कोई आफत नहीं आई है, कल देखते हैं। चलिए कल कहेंगे, अभी कोई आफत नहीं। चलिए कल कहेंगे, अभी कोई आफत नहीं। बता दें कि 2020 के एक मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है और कल यानी कि बुधवार को उनको सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि ये मामला 10 मई 2020 का है, जहां पर नमामि गंगे परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर अपहरण का, रंगदारी मांगने का और धमकी देने का आरोप लगाया था और जौनपुर के लाइन बाजार थाने में FIR दर्ज करवाई थी। अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनंजय सिंह ने कम गुणवत्ता यानी कि कम क्वालिटी की सामग्री का यूज करने के लिए दबाव बनाया। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना किया, तो धनंजय के करीबी संतोष विक्रम ने अपने दो अन्य साथियों के साथ आकर अभिनव का अपहरण कर लिया और धनंजय के घर ले जाकर मारपीट की और पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। आज इस मामले में जौनपुर की MPML कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया है। और धनंजय सिंह जब कोर्ट के बाहर निकले, तो सुनिए क्या कुछ उनकी हाल था, क्या कुछ उन्होंने कहा। न्यायपालिका के ऊपर नहीं कुछ कहा जा सकता है, लेकिन करप्शन का मामला था, सबको मालूम था। जी, नमामि गंगे जो यहाँ पे जिस तरीके से काम चल रहा था, उस वही इशू था और उसमें सारी चीज़ें FIR करता ने एफिडेविट दी थी, सारी चीज़ें हो गई थी। अननेसेसरी का इस तरीके का, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। चलिए, जो गवाही हुई थी वो बिल्कुल मोबाइल आ रहा था, ये वाला किस देखिए, न्यायपालिका के ऊपर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, देखते हैं कल लेट द जजमेंट कम फर्स्ट। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।